हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिंकू। वेलकम टू स्टडी इनसाइडर। अज अपनी वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जिस दे विच आपां गल करांगे जी फिजिक्स दे लास्ट ईयर पेपर दे बारे, उस दे बारे आपां गल करांगे। जिस तरह कि आपां पहला भी जो उसका फस्ट पार्ट कर चुके हैं, सैकेंड पार्ट आपां इस वीडियो दे विच करांगे फिजिक्स का मास्टर गेट 2020 दी प्रैपरेशन दे लई। आपां 35-82 का जो पेपर कर रहे हैं जी, उसका सोल्यूशन दे बारे देखांगे कुछ क्वेश्चनों नूं इस वीडियो दे विच। ज़्यादा जो आपां लंबी वीडियोस आपां नहीं रखांगे, छोटी वीडियो रखांगे, छेती तो छेती क्वेश्चन नूं समझण दी कोशिश करांगे, घट समय च ज़्यादा आपां करन दी कोशिश करांगे ते नाल नाल इस नूं समझांगे, इसके सोल्यूशन देखांगे किस तरह करने ने क्वेश्चन, तो बाकी किस तरह का पैटर्न रहिंदा इस एग्जाम का वह भी देखांगे कि ज़्यादा थोड़ा टफ भी नहीं है, ज़्यादा ईजी भी नहीं होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे ने थोड़े फॉर्मुला बेस्ड से ट्रिकी होंगे ने, तो अपन कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए सारे ही टॉपिक्स का, ता करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज़ थोनों ये जो क्वेश्चन होंगे जो फिजिक्स का पेपर रहेगा जब प्रीवियस ईयर हो, चाहे जो आने वाला मास्टर गेट 2020 हो, थोनों ये टफ लग सकता है, बट ये थोड़ा ईजी हो सकता है जे तुसी प्रैपरेशन वधिया ढंग दे नाल करोगे, मीनस थोड़ा कंसैप्ट क्लीयर करोगे हर एक टॉपिक का। आप इस वीडियो के पूरी कोशिश करेंगे कोई भी क्वेश्चन हो उसके रिलेटड पूरा कंसैप्ट होएगा जो उसनों समझांगे, ता ही आप अगे वधांगे, उस तो बिना आप अगे नहीं वधांगे। तो बाकी जे वीडियो थोनों वधिया लगी हो लगू तो तुसी इस वीडियो में जरूर लाइक तो कमेंट करके दस्यो किस तरह लगी, तो बाकी शेयर जरूर करो तुसी इस वीडियो में, तो बाकी जी चैनल में भी जरूर सबसक्राइब करो जे तुसी इस चैनल के उत्ते नवे हो। तो बाकी अज की अपनी वीडियो में शुरू करते हैं। जिस तरह के सब तो पहला क्वेश्चन आप 60 कर रहे हैं, 60-70 क्वेश्चन आप इस वीडियो करा, अप्रोक्सीमेट 10-11 क्वेश्चन आप इस वीडियो करा जी। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रेज नेसेसरी टू डिसइंटीग्रेट ए ड्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है जी, थोनों मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रेज की तुसी ने कैलकुलेट करनी है जो एक डिसइंटीग्रेशन होंगी है जी ड्यूट्रॉन की प्रोटॉन के न्यूट्रॉन के बीच, ता करके थोनों वैल्यूज़ गिवन दित्तियां ने जो भी है। ठीक है, ये आप बाद विच देखांगे, आप क्वेश्चन समझते हैं। थोनों ई की वैल्यू दी है, ठीक है, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन दिता गया जी, थोनों लाइट की स्पीड दी गई है, एच प्लैंक्स कॉन्सटेंट की वैल्यू दी गई है जी। ठीक है, इस तरह थोनों मास दिता गया प्रोटोन का, ठीक है, मास ऑफ प्रोटोन दिता गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन दिता गया जी। तुमने कैलकुलेट करनी है गामा रेज की मिनिमम एनर्जी जो डिसइंटीग्रेशन होंगी है जी ड्यूट्रॉन की। ठीक है जी, ये थोड़ा क्वेश्चन है, हम आप इसको देखते हैं आप किस तरह इस क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, हाँ जी, जिस तरह तुसी देख सकते हो 60 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रेज डिसइंटीग्रेट होंगी है जो ड्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जिस तरह तुसी देख सकते हो जी MD इज इक्वल टू MP+MN आपने लिखा है, मीनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन किस दे इक्वल होएगा जी, जो उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी टुट गया दो हिस्सों के बीच, प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन के मास के इक्वल ही होगा। ठीक है जी, इतों आप डेल्टा मास कढ लेंगे जी। ठीक है, जिस तरह के आप डेल्टा मास आपको दिता गया उन्हों का मास दिता गया, ठीक है जी, दोनों का किस तरह होएगा डेल्टा मास मीनस चेंज इन मास कि होंगे। ठीक है जी, डेल्टा M का मतलब की है मास के कितनी चेंज आई है, वो किस तरह आप कढ़ा जो प्रोडक्ट का मास होएगा माइनस उस रैक्टेंट का मास आप कर देंगे जो आपको दिता गया इक्वेशन के क्वेश्चन के उस तरह आप डेल्टा M भी इतों कट चुके हैं। इस तो बाद अपनी फाइंड करनी है जी एनर्जी, एनर्जी की होंगी है जी डेल्टा MC² थोड़ा पता है E=MC² जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वह आप अप्लाई करेंगे जी डेल्टा MC² जो कि होएगी आप डेल्टा M कट चुके हैं तो 0.00186C² इसका आंसर आ जाएगा। इस तो बाद हूँ आप जो एनर्जी है जिस तरह तुम देख सकते हो जो मास दिता गया से AMU यूनिट से उसके तो अपने जो कैलकुलेट करना जिस तरह कि ऑप्शन के देखोगे जो ऑप्शन थोनों MeV ठीक है माइक्रो इलैक्ट्रॉन वोल्ट के इसमें सॉल्व करना ता करके आप इस यूनिट में चेंज करा एनर्जी इज इक्वल टू मीनस आप AMU आप चेंज करा जी MeV के आप करना पवेगा 931/C² आप इस मल्टीप्लाई करा तो किस के चेंज हो जाएगा MeV के चेंज हो जाएगा। देखो ये यूनिट है ये थोनों याद करनी पवेगी 931/C² के नाल आप मल्टीप्लाई करेंगे जी डेल्टा MC² करके जो AMU उसकी यूनिट होगी एनर्जी की वह चेंज हो जाएगी माइक्रो इलैक्ट्रॉन वोल्ट के MeV के जो तुम डेल्टा MC² की वैल्यू भरोगे तो C² के नाल C² कैंसल हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आएगा जी आएगा 1.73166 माइक्रो इलैक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी की वैल्यू आएगी। हुण आपां देखते हैं इस ऑप्शन की रहेगी, जिस तरह तुसी देख सकते हो जी ऑप्शन इस B ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगी, क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर इसका 1.73 या 1.74 आप बोल सकते हैं माइक्रो इलैक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, B आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते आप, क्वेश्चन है जी न्यूक्लीयर क्रॉस सैक्शन हैज़ डिमेंशन ऑफ एरिया वॉल्यूम लेंथ और डेंसिटी। ठीक है जी,
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਏਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਸਦਾ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਂਸਰ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਡੈਟ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਅਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਨ ਵੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਏਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਇਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਏਰੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਅਰ ਇਹ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਮੀਨਜ਼ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ ਜੋ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਸਦਾ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, BARN ਬਾਰਨ ਇਸਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੀ ਏਰੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਂਸਰ ਰਾਈਟ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣਾ 62 ਆਂਸਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ ਯੰਗ ਡਬਲਸ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 64:1 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੰਗ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 64:1 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫ੍ਰਿੰਜਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਜਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ I2 ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ I1 ਅਤੇ I2 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 64:1, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ। I1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ I2 ਦੇ ਨਾਲ 64:1 ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ I ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, I1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 64i, I2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ I, ਉੱਪਰ ਜੇ 64 ਹੈ ਤਾਂ 62i। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ I, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਸੁਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, I ਆਫਟਰ ਸੁਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। I1+I2 +2√I1I2, I1 ਅਤੇ I2 ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੰਡਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਸਥੀਟਾ I1 ਅਤੇ I2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਸਥੀਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਡਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। I1+I2+2√I1I2 ਕੋਸਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਥੀਟਾ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਸਥੀਟਾ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਸਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4 ਮੈਕਸੀਮਮ, ਕੋਸਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1/4 ਮਿਨੀਮਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ I1+I2+2√I1I2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, I ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √I1+√I2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ
इक्वेशन है यही थोनों मिलेगी। इस तरह मैं इसका मिनिमम भी कर सकता क्योंकि टू अंडरूट आई वन आई टू की जगह पर जो उसके इन द फ्रंट माइनस आ जाएगा तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा जिस तरह अपने लिखा हुआ है। उस तो बाद दोनों की रेशो में फाइंड करना है, मैंने दोनों की किया जी डिवाइड किया, डिवाइड करने तो बाद इन का मैंने की किया आई वन की वैल्यू भी मैंने पता जिस तरह तुम उपरों इतों जो इन की वैल्यू क्ढ़ी ली से पहला आई वन की इन द फॉर्म ऑफ आई, इस तरह मैं आई टू की वैल्यू भी क्ढ़ ली सी, इतने मैं इसकी वैल्यू फिल कर दी गई है। ठीक है जी 64 आई का अंडरूट इस तरह प्लस आई का अंडरूट जो मैं दोनों ठीक है सारिया के आई अंडरूट आई अंडरूट आई जो मैं बाहर क्ढूंगा तो कॉमन निकल जाएगा जी, उपर नीचे दोनों साइड तो वह कैंसल हो जाएगा। ठीक है जी तो इस तो बाद तुसी ने की करना है जो 64 का अंडरूट की वैल्यू आप 8 ले लेंगे जी, जो 1 का अंडरूट कितना होता है 1, आप इसकी वैल्यू में पुट करेंगे 8 प्लस 1 9, 9 का स्केयर 81 आ जाएगा, इसी तरह 7 का स्केयर 49 आ जाएगा। इस जो दोनों की रेशो आपने काढ़ लिए हैं 81 रेशो 49 अपना आंसर आ चुका है, इसी तरह तुसी इसनों ऑप्शन दे विच भी देख सकते हो, जिस तरह तुसी देख सकते हो जी अपना सी ऑप्शन राइट आ जाएगा 81 रेशो 49 इसका राइट आंसर होएगा। इसी तरह अपना जो थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज, इन्हां दे विचों केड़ी वेव है जी जिसनों तुसी पोलराइज नहीं कर सकते, विजिबल लाइट होगी या रेडियो वेव होगी, इसी तरह साउंड वेव होगी या एनी ट्रांसवर्स वेव होगी। ठीक है जी इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है जी तो सोल्यूशन दे विच जिस तरह तुसी देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट बी पोलराइज, ठीक है जी की लिखा हुआ है लोंगीट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है जी जो लोंगीट्यूडनल वेव्स होंगे ने उन्होंने तुम पोलराइज नहीं कर सकते, ठीक है जी सिर्फ जो ट्रांसवर्स वेव होंगे ने उन्होंने आप पोलराइज कर सकते हैं, मीनस की इसका मतलब की है इन द ट्रांसवर्स, ठीक है जी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ वेव होंगी है जी, जो ट्रांसवर्स वेव्स होंगे ने उन्होंने जो पार्टिकल्स की जो मॉलीक्यूल्स की एटम्स की जो वाइब्रेशन होंगी है वह परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, जिस साइड के वेव्स आ रही है ठीक है जिस डायरेक्शन के वेव की मोशन हो रहा है ट्रैवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर जो उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है। ठीक है जी इस तरह इसको आप ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं जिसके करके इसकी पोलराइजेशन पॉसीबल है, अदरवाइज इसकी पोलराइजेशन पॉसीबल नहीं हैगी, अदरवाइज जो उसकी वाइब्रेशन ही इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वेव हो रही है दैन उसकी पोलराइजेशन तुसी नहीं कर सकते, वो डायरैक्टली किसी भी जो पोलराइजर होएगा उसके बीचों ही लंघ जाएगी, बट जो तुसी उसको पोलराइज तो ही कर सकते हो जो उसके कोई भी पोलराइजर पार्टिकल होगा, मीनस वेव के जो वो अपवर्ड डायरैक्शन होएगी, बट तुसी जिस तरह कि तुसी कह सकते हो कोई भी वेव टूवर्ड एक्स एक्सिस मूव कर रही है बट उसकी वाइब्रेशन होगी जी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी तो उसको तुसी पोलराइज कर सकते हो, बट जो आप लोंगीट्यूडनल वेव की गल करिए इन लोंगीट्यूडनल वेव वाइब्रेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव होंगी है तो करके उसके पोलराइजेशन पॉसीबल नहीं हैगी। जो आप आंसर की गल करिए विजिबल जो लाइट होंगे ने ई एम वेव्स होंगे ने, रेडियो वेव भी ई एम वेव्स होंगे ने, मीनस इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स जो साउंड वेव होंगे ने उन्होंने आप लोंगीट्यूडनल कहने हैं जिन्हें यह पॉसीबल नहीं है, सिर्फ एनी ट्रांसवर्स वेव के पोलराइजेशन पॉसीबल है। ठीक है जी तो अपना आंसर की आएगा लोंगीट्यूडनल वेव के पॉसीबल नहीं है तो अपना आंसर थर्ड आएगा, किस तरह तुम देख सकते हो ऑप्शन के क्योंकि इन्होंने पूछा सी किस वेव के पोलराइजेशन पॉसीबल नहीं हैगी तो आप इतने कहेंगे जी साउंड वेव की होंगे ने जी लोंगीट्यूडनल वेव्स होंगे ने करके इस पॉसीबल नहीं है, सी ऑप्शन इसते राइट आ जाएगा। इस तरह अपना नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑबटेन्ड ऑन ए स्क्रीन यूजिंग येलो लाइट। ठीक है जी तुसी जो स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑबटेन्ड होया एक सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न जो ऑबटेन्ड होया एक स्क्रीन के उपर येलो लाइट का। ठीक है जी आप उस येलो लाइट नू ब्लू लाइट के नाल चेंज कर दें, ठीक है जी रिप्लेस कर दें तो एक्सपैरीमेंटल सैटअप के आप होर कोई चेंज नहीं करते, बट जो भी होएगा डिफ्रैक्शन बैंड के नाल की होएगा मीनस वट हैपन टू द डिफ्रैक्शन बैंडस मीनस डिफ्रैक्शन बैंड के की चेंजेस आने वह की हो जाएगा डिसअपीयर हो जाएगा दिखनों ही हट जाएगा जो ब्रॉडर हो जाएगा जा फारदर पार्ट हो जाएगा जा की हो जाएगा क्राउडड हो जाएगा जा नैरो होएगा मीनस की उस चेंज आ सकता है। हुण आपां देखते हैं क्वेश्चन के जिस तरह तुम देख सकते हो इफ द येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाई ब्लू लाइट दैन वट हैपन टू द डिफ्रैक्शन बैंड। ठीक है जी जो फ्रिंज विड़थ होंगी है मीनस जो डिफ्रैक्शन बैंड जो बीटा होंगे ठीक है विड़थ होंगी उसका रिलेशन की है बीटा इज इक्वल टू लैमडा डी अपॉन डी कैपिटल डी अपॉन समॉल डी, इसका रिलेशन होंगे जो तुमने जो यंग स्लिट एक्सपैरीमेंट में वधिया ढंग
ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਅਪੋਨ ਸਮਾਲ ਡੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਮਡਾ ਇੱਥੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਬਲੂ ਲਾਈਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਬੀਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਬਗਿਓਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀ ਟੂ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰ ਜੋ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੀਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੀਟਾ ਮੀਨਸ ਵਿਡਥ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ, ਉਹ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਦੈਨ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਨੈਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੈਲੋ ਤੋਂ ਬਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਾਊਡਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਊਡਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 65 ਵੈਨ ਏ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਟੀਕਲ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਵੈਨ ਏ ਲਾਈਟ ਵੇਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਰੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਈ 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 ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦਾ ਜੋ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਵਿਲ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਵ ਸਫਰ ਏ ਫੇਜ਼ ਅਪ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਪਾਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਵ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਉਸਦਾ ਜੋ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ, ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਪਾਈ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾ, ਮੀਨਸ ਪਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 66 ਵਿੱਚ ਵੇਪਰ ਲੈਂਪ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਰਸ ਲਾਈਟ ਟੂ ਡੈਮੋਸਟਰੇਟ ਨਿਊਟਨਸ ਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਲੈਂਪ ਹੈ ਵੇਪਰ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਬਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਂਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਿਊਟਨ ਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਲੈਨੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਜ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਿਊਟਨ ਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਲੈਂਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ
एक न्यूटन रिंग एक्सपैरीमेंट दे विच कन्वैक्स लेंज नू एक ग्लास प्लेट के उपर रख्या जाता है, उस दे उपर जो लाइट नू ठीक है इंसीडेंट किया जाता पार्सली पार्शली रिफ्लैक्ट होंगी है अपर लोअर सरफेस के उपरों, जो जो कन्वैक्स लेंज होंगे ने उन्हां दी अपर लोअर सरफेस के उत्तों की हो जाती है वह पार्शली रिफलैक्ट हो जाती है। जो तो रिफलैक्ट होने तो बाद जो तो उन्हां दी सुपर इंपोजिंग होंगी है दोनों रेज की ठीक है, दैन एक की बनती है उत्थे रिंग बनती है जी जिसनों आप बोलते हैं न्यूटन रिंग बोलते हैं। इट इज़ पॉसीबल ओनली, वो सिर्फ उदों ही पॉसीबल होगा जो लाइट हैज़ ए सिंगल वेवलैंथ, जो लाइट की होगी सिंगल वेवलैंथ होगी। सो ओनली सोडियम इज़ यूज हेयर, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जी आप देखिए सिर्फ सोडियम की ही सिंगल जो वेवलैंथ है मोनोक्रोमैटिक जो वेवलैंथ होगी, तो करके ऑप्शन की आएगा जी इसका सोडियम राइट आंसर आएगा। जिस तरह तुम देख सकते हो जी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। इस तरह अपन नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्रैक्शन इज़ ए रिजल्ट ऑफ, जो डिफ्रैक्शन होंगी किसका रिजल्ट होंगे, पोलराइजेशन रिफलैक्शन इंटरफेरेंस या डिस्पर्शन। चलो मैं दसना चाहूँगा ये क्वेश्चन जो 2020 जनवरी में जो पी एस टट आया से उस भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया से, यह मास्टर ग्रेडर के भी पूछा गया, तो करके तुम इस क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान समझना। डिफ्रैक्शन इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है जी अपना जो क्वेश्चन इतने तक खत्म हो जाता है डिफ्रैक्शन इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस, बट आप समझेंगे कि जो फिनोमिनन होएगा इसका स्प्रैडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑबस्टैकल, मतलब कि डिफ्रैक्शन का जो कोई भी ठीक है वेव होंगी है अराउंड किसी भी ऑबस्टैकल के, कोई भी मतलब थिंग हो जा कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जिसनों आप ऑबस्टैकल बोल देने जो कोई वेव उसके अराउंड स्प्रैड हो जाती है ठीक है, जिसनों आप खिंडाव कह दें, जो कोई वेव खिंड जाती है उसके अराउंड किसी भी ऑबस्टैकल के अराउंड उसनों आप डिफ्रैक्शन बोल देने। डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस विद साउंड, ठीक है डिफ्रैक्शन मीनस किस लाइट टाइप ऑफ लाइट के होंगी है, डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस विद साउंड विद ईएम रेडिएशन इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्स रेज, जिस तरह कि गामा रेज या स्मॉल पार्टिकल्स ठीक है, उस तो बाद आप बोल सकते हैं एटम्स या न्यूट्रॉन्स इलैक्ट्रॉन कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स, इन्ह सारे डिफ्रैक्शन हो सकती है ठीक है जी। देयर इज़ नो शार्प शैडो, जो डिफ्रैक्शन होंगी है उसकी कोई ज़्यादा शार्प शैडो नहीं होंगी ब्राइट, या जिस तरह आप बोल सकते हैं बैंड ज़्यादा ब्राइट नहीं बनते उत्थे, उसकी ज़्यादा शार्प शैडो नहीं होंगी ठीक है जी। डिफ्रैक्शन होंगी है क्योंकि थोड़ा जा एक तरह का आप बोल सकते हैं लाइट जो उस शैडो हो सकती है उसकी लाइटर शैडो। फिनोमिनन इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस, तो आप बोल सकते हैं जी जो फिनोमिनन है वह इंटरफेरेंस के करके होंगे, जो कोई भी दो वेव्स या कोई भी दो कोई भी लाइट वेव जो एक दूसरे इंटरफेयर करते हैं उन्हों की जो मीनस उसके ऑबस्टैकल के अराउंड या किसी भी इंटरफेरेंस के अराउंड जो वेव स्प्रैड हो जाती है थोड़ी बहुत ही किसी भी साइड के, तो उसनों आप बोल देने जी डिफ्रैक्शन ठीक है जी। कोई शार्प शैडो नहीं होंगी तो करके डिफ्रैक्शन की दे रिजल्ट करके होंगी जी, इंटरफेरेंस करके होंगी है। आंसर राइट की है जी इंटरफेरेंस। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी, वट प्रिंसीपल इज़ रिसपोंसीबल फॉर द फैक्ट दैट सर्टन सनग्लासिस कैन रिड्यूस क्लीयर फ्रॉम द रिफ्लैक्टड सरफेस, ठीक है जी। कहते केड़ा प्रिंसीपल इतने रिसपोंसीबल होगा जी फॉर द फैक्ट दैट सर्टन सनग्लासिस कैन रिड्यूस क्लीयर फ्रॉम रिफ्लैक्टड सरफेस, ठीक है जी। मीनस की है मीनस वो कि सनग्लासिस होंगे ने जो रिड्यूस कर सकते हैं ग्लेयर फ्रॉम द रिफ्लैक्टड सरफेस, कोई भी जो ठीक है जो रिफ्लैक्टड सरफेस होंगी है उसके उपरों जो ग्लेयर होंगे ठीक है किसी भी मीनस किसी भी लाइट का जो रोशनी होंगी है उसनों उसका जो ग्लेयर है उसका जो मीनस जो काफ़ी सारा जिन्हें भी उसकी चमक है उसनों घटा सकते हैं, वो कि सनग्लासिस होंगे ने यह अपना आंसर है ठीक है जी। की कह रहे हैं जी पोलराइजेशन इज़ रिस्पोंसिबल फॉर द फैक्ट दैट सर्टन सनग्लासिस कैन रिड्यूस ग्लेयर फ्रॉम द रिफ्लैक्टेड सरफेस, इसको तुम सिंपली लर्न करना जी पोलराइजेशन इसका जो फिनोमिनन है जो इसके लिए रिस्पोंसिबल होंगे सनग्लासिस जो भी सनग्लासिस होंगे ने जो रिड्यूस कर सकते हैं ग्लेयर फ्रॉम द रिफ्लैक्टेड सरफेस, पोलराइजेशन इसका राइट आंसर आएगा ठीक है जी। इसे दे नाल नाल आपां हुण अपना नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वन बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट ट्रैवल पाथ पी वन इन अराइविंग एट ए पॉइंट क्यू एंड अनदर कोहेरेंट बीम ट्रैवल पाथ पी टू इन अराइविंग एट ए पॉइंट, देखो दो थोनों वेव्स दी गई ने लाइट वेव्स ठीक है, बीम आप बोल सकते हैं कोहेरेंट लाइट ट्रैवल कर दी है, वन बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट ठीक है जी, कोहेरेंट लाइट है वेव्स की एक बीम जो ट्रैवल करती है पी वन पॉइंट तो क्यू तक ठीक है, क्यों तक अराइव करती है, इसी तरह एक होर बीम है जो पी टू पॉइंट तो ट्रैवल करके सेम क्यू पॉइंट ते ही पहुँच रही है। इफ़ दीज बीम टू बीम्स आर टू इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, जे यो दोनों बीम्स या वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर दिया ने दैन पाथ डिफरेंस पी वन माइनस पी टू किन्ना होएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है जी, थोड़ा जहाँ थोड़ा समझना पएगा डायग्राम्स के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन समझा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लवेंगे बट समझा भी ध्यान ठीक है जी। तुम क्वेश्चन के सोल्यूशन देखना है ना,
जिस तरह तुसी देख सकते हो वन बीम फ्रॉम पॉइंट पी वन टू क्यू मीनस तुसी जिस तरह डायग्राम के विच देख सकते हो जो सब तो फस्ट डायग्राम है लैफ्ट हैंड साइड जो पहली पहली डायग्राम है उस दे देख सकते हो पी वन पॉइंट तो पी टू पॉइंट मैंने इकट्ठे ही शो किए हैं जितों दोनों जो बीम जो वेव है स्टार्ट होंगे ने क्यू पॉइंट तक। ठीक है जी, एक बीम गई है उसके नाल ही दूसरी गई है। मैंने इन्हों के थोड़ा जहा डिफरेंस इसलिए दिखाया ताकि आप इन्हों दिखा सकी दो बीम्स एक दूसरे के उपर एजैक्ट ठीक है की कर रही ने सुपर इंपोज कर रही ने ता करके आप इतने बोल सकते हैं कि ने जी एक दूसरे के उपर जो आ चुकी ने तो इसको आप बोलते हैं जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल वह एक दूसरे के उपर सुपर इंपोज कर चुकी ने। इस तो बाद जो आप इसकी गल करिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो दूसरी साइड जो फस्ट इमेज है उस तो तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो जो पी वन और पी टू पॉइंट एको जैसे ना हो दोनों जो जिस तरह तुम बोल सकते हो जो तो क्रस्ट के नाल ट्रफ मिलता है ट्रफ के सामने क्रस्ट होंगे। ठीक है, मीनस इन्हों का डिफरेंस हो जाता है जो तो उत्ते आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी सुपर इंपोज ये ना कर। ठीक है जी, तो इसको आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो पॉसीबल दो ही केस ने जी कंस्ट्रक्टिव तो डिस्ट्रक्टिव। पहला आप कंस्ट्रक्टिव देखना जिस तरह तुम लैफ्ट हैंड साइड देख सकते हो इतने सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा जदों दोनों वेव्स या बीम्स एक दूसरे के उपर सुपर इंपोज करनगियां तो इसको आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे एक दूसरे के उपर जो बिल्कुल सुपर इंपोज कर जान। चाहे इस दे विच हुण जदों तुसी लेफ्ट हैंड साइड जो दूसरी इमेज है जिस दे विच मैंने पी वन और पी टू पॉइंट के विच जो डिफरेंस है वह मैंने लैम्बडा दिखाया मीनस एक वेवलैंथ मैंने छड़ के उस तो बाद मैंने पी टू पॉइंट शुरू किया उस तो बाद मैंने दोनों वेव्स पहुँचाइया क्यू पॉइंट तक ही ने। इसका मतलब की है जो पी वन और पी टू के विच जो डिफरेंस है वह किन्ना जी लैम्बड है मीनस इतने आप पाथ डिफरेंस दसना किन्ना होएगा पी वन और पी टू के विच डिफरेंस किन्ना जी लैम्बड है। ठीक है जी, जो पहली डायग्राम के विच पी वन और पी टू के विच डिफरेंस किन्ना सी जीरो इतों तुसी जिन्ने भी सारे पॉइंट होणगे सारिया का ठीक है जी फेज डिफरेंस कढ़ सकते हो। सिमिलरली जिस तरह कि आपने लैफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है सिमिलरली डेल्टा एक्स मीनस फेस डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो हो सकता है लैम्बडा हो सकता है टू लैम्बडा हो सकता है एन लैम्बडा हो सकता है मीनस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैंगड लैम्बडा इसको आप बोल सकते हैं जी जीरो लैम्बडा टू लैम्बडा ठीक है एन लैम्बडा। इस तरह तुम इसका जो फेज डिफरेंस कर सकते हो बट आपने गल की क्वेश्चन के जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इतने की किस तरह कर सकते हैं जिस तरह तुम राइट हैंड साइड पर फस्ट इमेज देख सकते हो पी वन और पी टू के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने के लिए सब तो पहला घट तो घट जो मिनीम डिफरेंस सी इस मैंने कि रखा जी लैमडा पॉइंट टू तो मीनस की है जी जो एक अद्धी वेवलैंथ ठीक है सिर्फ ट्रफ है इतने क्रस्ट सिर्फ क्रस्ट ट्रफ नहीं हैगी इतने लैमडा अपॉइंट टू की हो सकता है घट्टो घट डिफरेंस है जी इसका जदों की इसका की हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। तो करके दूसरी इमेज के मैंने लैमडा टू के अगे फरदर एक लैमडा एड किया तो कि हो गया थ्री लैमडा बाय टू या थ्री बाय टू लैमडा जिसनों बोल सकते हो तो भी इसका की हो रहा है जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो दोनों इक्वेशन तो मैंने इसका सिमिलरली करके एक फरदर सोल्यूशन कढ़ सकता कि लैमडा जो डेल्टा एक्स है वह कितना हो सकता है पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू जाता वन बाय टू लैमडा हो सकता है ज थ्री बाय टू लैमडा ज फाइव बाय टू लैमडा हो सकता है। ठीक है जी, इस तरह जे आप आंसर की गल करिए अपने क्वेश्चन के आंसर आएगा जी जो डिफरेंस होएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए की होएगा एन ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलैंथ एन ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलैंथ होगा मीनस हूँ जिस तरह तुम लास्ट के देख सकते हो डेल्टा एक्स ज्यादा वन वन मल्टीप्लाई बाय लैमडा बाय टू हो सकता है ज थ्री मल्टीप्लाई बाय लैमडा बाय टू हो सकता है फाइव मल्टीप्लाई बाय लैमडा बाय टू हो सकता है ज सैवन मल्टीप्लाई बाय लैमडा पॉइंट टू हो सकता है। मतलब की है लैमडा बाय टू मतलब हाफ वेवलैंथ मल्टीप्लाई हो रही है एक ऑड नंबर की वन थ्री फाइव सैवन तो करके ही अपना आंसर राइट होएगा। ठीक है जी, इस तरह तुम क्वेश्चन समझो तुम ऑप्शन के भी देख सकते हो ऑप्शन के देख सकते हो ए ऑप्शन इतने राइट होगा क्योंकि जीरो नहीं हो सकता जीरो सिर्फ ता ही हो सकता है जो पी वन और पी टू पॉइंट सेम होन दोनों के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो जो सी पॉइंट है वो उदों हो सकता है ए होल नंबर ऑफ मल्टी वेवलैंथ मतलब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो बट पी वन और पी टू पॉइंट सेम ना हो। ठीक है जी, इस तरह तुम इसको बोल सकते हो बट अपना राइट आंसर की आएगा जी ए आएगा एन ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलैंथ ऑड नंबर है जी हाफ वेवलैंथ का मीनस वन थ्री फाइव हाफ वेवलैंथ मीनस लैमडा बाय टू
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ 10 ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ PDF ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ PDF ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।